जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पॉसिबल 11 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड T20 मैच में। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, टीम में कोई अपडेट तो नहीं है, मैच प्रीव्यू कैसा रहा था, पिच रिपोर्ट कैसी है, मैं आपको लास्ट में फैंटेसी टीम भी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेटेस्ट न्यूज और लाइव अपडेट के लिए अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं। फ्रेंड्स, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर गिब्बे की बात कर लेता हूं। तो बता दूं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड T20 में 20,000 रुपए का फ्री गिब्बे रखा गया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 2,000 रुपए का। बात कर लेता हूं मैच वेन्यू की, तो बता दूं ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों बात कर लेता हूं यहां पर पिच रिपोर्ट की, तो बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, और यहां पर जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आया है वो 174 आया है। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं यहां पर वेदर रिपोर्ट की, तो बता दूं यहां पर जो वेदर रहने वाला है वो बिल्कुल क्लीन वेदर रहने वाला है और कोई चांसेस नहीं बनते हैं यहां पर बारिश के। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं यहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्कोर रिकॉर्ड की, तो बता दूं अभी तक टोटल 6 मैचेस यहां पर प्लेड हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट वन 3 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 3 मैचेस। परसेंटेज की बात करूं तो बैटिंग फर्स्ट वन 50% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 50%। द फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इज 174 एंड द सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर इज 166। फ्रेंड्स, हाईएस्ट टोटल इस स्टेडियम का रहा है वो रहा है 224 दो विकेट के साथ, एंड लोवेस्ट टोटल यहां का रहा है 85 10 विकेट के साथ। फ्रेंड्स, हाईएस्ट केस जो यहां का रहा है वो 166 3 विकेट के साथ, एंड लोवेस्ट डिफेंडर रहा है 185 8 विकेट के साथ। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं यहां पर इंडिया पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो आपको बता दूं ईशान किशन जो कि विकेट कीपर, ये इसमें टीम में शामिल होंगे। पृथ्वी शॉ या सुमन गिल दोनों में से एक इस टीम में शामिल हो सकता है। फ्रेंड्स, राहुल त्रिपाठी इसमें शामिल हो सकते हैं टीम में, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान है दोस्तों T20 के, दीपक हुड्डा शामिल हो सकते हैं दोस्तों टीम में, वॉशिंगटन सुंदर ये शामिल हो सकते हैं टीम में दोस्तों, शिवम मावी शामिल हो सकते हैं दोस्तों टीम में, कुलदीप यादव हो सकते हैं टीम में एज अ बॉलर, युजवेंद्र चहल एंड अर्शदीप सिंह, यही पॉसिबल प्लेइंग 11 दोस्तों इंडिया की है। अब बात कर लेता हूँ न्यूजीलैंड पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो बता दूं फिन एलन, डेवन कॉनवे जो कि विकेट कीपर है, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटलर, जैकोब डफी, सॉडी, लॉकी फॉर्गुसन, ब्लेयर टिकनर, ये प्लेइंग 11 दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 है, जो कि कप्तान है एम सेंटनर इसके। बात कर लेता हूं इंडिया टीम अपडेट की, तो बता दूं ईशान किशन जो कि लास्ट 13 गेम में फेल हुए हैं दोस्तों, आपको बता दूं इनको टीम में मुश्किल ही सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ईशान किशन और पृथ्वी शॉ यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं दोस्तों, अभी क्लियर नहीं हुआ है ईशान किशन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। राहुल त्रिपाठी जो कि बंडन पोजिशन पर बैटिंग करेंगे दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जो कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग संभालेंगे इंडिया की ओर से, हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान है दोस्तों इंडिया के और एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं दोस्तों। बात कर लेता हूं ईशान किशन की, तो यहां विकेट कीपरिंग कर सकते हैं दोस्तों ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव जो कि स्पिन बॉलिंग करेंगे इंडिया टीम की ओर से। फ्रेंड्स, वॉशिंगटन सुंदर जो कि सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट हासिल किए थे दोस्तों पिछले मैच में, अर्शदीप सिंह और शिवम मावी जो कि दोस्तों फास्ट बॉलिंग करेंगे इंडिया टीम की ओर से। दोस्तों बात कर लेता हूं यहां पर न्यूजीलैंड टीम अपडेट की, तो बता दूं यहां पर जो एंजन मिडल जो कि ऑर्डर परफॉर्म, दे विल नीड परफॉर्म स्ट्रॉन्गर इन द मैच। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं यहां पर ओपन की, तो फिन एलन और डेवन कॉनवे आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे न्यूजीलैंड की ओर से। फ्रेंड्स, मार्क चैपमैन वन डाउन पोजिशन पर बैटिंग करेंगे दोस्तों, डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स जो कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड टीम की ओर से, एम सेंटनर जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड के कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट हासिल किए थे इस सीरीज में दोस्तों, डेवन कॉनवे जो कि विकेट कीपरिंग करेंगे न्यूजीलैंड टीम की ओर से। फ्रेंड्स, एम सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल जो कि दोस्तों स्पिन बॉलिंग करेंगे न्यूजीलैंड टीम की ओर से, एम सेंटनर जो कि सबसे ज्यादा टॉप पोस्ट फैंटेसी पॉइंट हासिल किए दोस्तों इस सीरीज में, लॉकी फर्गुसन जो कि दोस्तों फास्ट बॉलिंग करेंगे, और जैकोब डफी जो भी फास्ट बॉलिंग करेंगे दोस्तों। बात कर लेता हूँ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टीम 11 प्रिडिक्शन की, तो इंडिया कुछ मैचों में अभी अच्छी नजर आती हुई तो इसके जीतने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेता हूँ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड की, तो बता दूं यहाँ पर
टोटल 24 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें इंडिया ने 13 मैचेस जीते हैं एंड न्यूजीलैंड ने 10 मैचेस जीते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं यहां पर इंडिया की प्लेयर्स की, इंडिया के कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको मैं आपके नाम बता रहा हूं, आप उन प्लेयरों को अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स सुमन गिल को आप अपनी ड्रीम टीम में दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या को आप अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडिया के अच्छे ऑलराउंडर हैं, इनके चलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं दोस्तों मैच में। कुलदीप यादव जो कि दोस्तों बॉलर है इंडिया की ओर से, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स सूर्य कुमार यादव जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, इनके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलती है, तो आप इनको अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वॉशिंगटन सुंदर ये अच्छे ऑलराउंडर हैं, विकेट के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं न्यूजीलैंड की प्लेयर्स की, न्यूजीलैंड के कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स लॉकी फर्गुसन जो कि दोस्तों अच्छे बॉलर हैं, फिन एलन जो कि अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। डेरिल मिशेल जो कि दोस्तों अच्छे बल्लेबाज भी हैं और ऑलराउंडर भी हैं दोस्तों, आप इनको अपनी ड्रीम टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। माइकल ब्रेसवेल को अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स डेवन कॉनवे को आप अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों। एम सैंटनर को आप अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, विकेट के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो आप कैप्टन में हार्दिक पांड्या को जरूर ट्राई करिए ग्रैंड लीग में दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को एज अ स्मॉल लीग में आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, माइकल ब्रेसवेल जिनको आप ग्रैंड लीग में दोस्तों एज अ कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स डेवन कॉनवे को आप ग्रैंड लीग में एज अ वाइस कैप्टन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेता हूं यहां पर अपनी फैंटेसी टीम की, तो बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको ये मेरी स्मॉल लीग की फैंटेसी टीम है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने विकेट कीपर में डेवन कॉनवे को सिलेक्ट किया है एंड बैट्समैन में फिन एलन को, सूर्य कुमार यादव को और डेरिल मिशेल को सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, एम सेंटनर, एम ब्रेसवेल को दोस्तों मैंने ऑलराउंडर के रूप में अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स बॉलर में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और लॉकी फर्गुसन को मैंने बॉलर में अपनी स्मॉल लीग में टीम में सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूं फ्रेंड्स, तो वॉशिंगटन सुंदर को एज अ कैप्टन अपनी टीम में सिलेक्ट किया है स्मॉल लीग में, एंड वाइस कैप्टन की बात करूं तो एम ब्रेसवेल को दोस्तों मैंने एज अ वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग में सिलेक्ट किया है। लास्ट 80 मिनट में आपको सारा अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूंगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।